हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीबीएस ट्यूटोरियल क्लास में पुनः आपका एक बार स्वागत है। पिछले की वीडियो ट्यूटोरियल में लेसन 9 के अंतर्गत कंप्यूटर लॉजिक एंड बूलियन अलजेब्रा लेसन का नाम है, उसके अंतर्गत 3 बेसिक कंपोनेंट गेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। आज हम लोगों का जो गेट है, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसका नाम है नैंड गेट। एन का मतलब नॉट और एंड। देर आर टू मोर कॉम्बिनेशन गेट, दो गेटों को मिलाने से नैंड गेट बनता है, एंड गेट एंड नॉट गेट। डिफिनेशन आप इसे देखें, दिस गेट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट को आप यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जानते हैं। नैंड गेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। दिस गेट रिवर्स ऑफ एंड गेट, यह गेट रिवर्स उल्टा होता है एंड गेट का। दिस गेट रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट बी साइन, यानी कि ए डॉट बी आपका एंड गेट का है, उसके ऊपर नॉट लग गया तो क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। यूनिवर्सल गेट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे ज्यादा पूछता है, नैंड गेट को ही हम यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। आइए इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये आपकी ट्रुथ टेबल है, जिसे आप हिंदी में सत्यता सारणी के नाम से जानते हैं। ये इनपुट और आउटपुट, टू एंड मोर इनपुट, एक्स एंड वाई इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन, ऑल इनपुट इज वन, आउटपुट विल बी जीरो, अदरवाइज वन। कह रहा है नैंड गेट में जब सभी इनपुट वन वन होंगे, एक जैसे होंगे, वन इनपुट वन होगा तभी आपका आउटपुट जीरो होगा, अन्य कंडीशन में इसका आउटपुट एक होगा। डिजिटल डायग्राम देखें या सिंबोलिक डायग्राम भी आप कह सकते हैं। डी बनाइए, आगे जीरो लगा दीजिए, नॉट आ गया, इसको आगे बढ़ा दीजिए, एक्स आया, सॉरी एक्स हुआ, वाई हुआ, एक्स डॉट वाई का नॉट। कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा सिंबल, कुछ बुक में आपको इस तरह से मिलेगा। डी बनाइए, आगे ले जाइए, इसको यहां ले आइए, नॉट का चिन्ह लगाइए, आगे बढ़ा दीजिए। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डॉट वाई का नॉट। फिर से समझ लीजिए, नैंड गेट, दिस गेट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। इस गेट को आप यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। नैंड गेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट, यह गेट दो गेटों को मिलाने से बनता है एंड गेट और नॉट गेट के। दिस गेट रिवर्स ऑफ एंड गेट, यह गेट उल्टा होता है एंड गेट का। दिस गेट रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट बी साइन, ए डॉट बी एंड का है साइन, नॉट लगा हुआ है तो आपका हो गया नैंड गेट। ट्रुथ टेबल यानी कि सत्यता सारणी आपकी, टू आर मोर इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, व्हेन ऑल इनपुट इज वन वन द आउटपुट विल बी जीरो एंड अदरवाइज देन कंडीशन इज वन वन। अन्य सभी स्थितियों में इसकी वैल्यू आपकी वन वन होगी, जब वैल्यू आपका वन वन होगा तभी इसकी वैल्यू जीरो होगी, अन्य कंडीशन में एक होगी। ये सिंबोलिक डायग्राम और कुछ इस तरह से भी सिंबोलिक डायग्राम बनता है। नेक्स्ट गेट में हम लोग नॉर गेट पढ़ेंगे। गेट के बारे में चर्चा की थी, आज की वीडियो ट्यूटोरियल्स में नॉर गेट के बारे में चर्चा करेंगे। नॉर गेट डिफिनेशन, दिस गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट, नॉट गेट एंड और गेट।
यह गेट दो गेटों से मिलकर बना होता है, नॉट गेट और OR गेट से। दिस गेट रिवर्स ऑफ OR गेट, यह गेट उल्टा होता है आपके OR गेट के। दिस गेट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए प्लस बी का होल नॉट, यानी कि आपका बार होता है, बार साइन करते हैं, या आप इसको सिंबोलिक साइन के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है नॉर गेट दो प्रकार के गेटों से मिलकर बना होता है, नॉट गेट और OR गेट के। यह गेट उल्टा होता है आपके OR गेट के, और इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी के बार साइन से। आइए इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। सत्यता सारणी आप इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें टू मोर इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। एक्स और वाई आपके इनपुट हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई का नॉट आपका हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। व्हेन ऑल इनपुट इज सेम, आउटपुट विल बी वन, अदरवाइज आपका जीरो। फिर से समझ लीजिए, व्हेन ऑल इनपुट इज जीरो जीरो, जब दोनों इनपुट हमारे जीरो जीरो होंगे तभी आउटपुट आपका एक आएगा, अदरवाइज अन्य स्थितियों में आपका आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यह गेट OR गेट का उल्टा होता है। OR गेट में क्या होता था, जब दोनों आपके जीरो जीरो होते थे तभी जीरो होता था, अन्य स्थितियों में क्या होते थे, वन वन होते थे। यहाँ पे व्हेन ऑल इनपुट इज सेम आउटपुट विल बी वन, अदरवाइज आपके जीरो। इसका सिंबोलिक डायग्राम देखें NOR गेट का। एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का नॉट ऐसा आप बना सकते हैं, और के रूप में आप ऐसा भी बना सकते हैं। इसको ऐसा बनाया, इधर आए इधर गए, इसको आगे ले गए, यहां पर नॉट का सिंबल बनाया, आगे ले आए, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का नॉट। फिर से समझ लीजिए NOR गेट, NOR गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट, NOT गेट एंड OR गेट। दिस गेट रिवर्स ऑफ OR गेट, यह गेट OR गेट का उल्टा होता है। दिस गेट रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस बी, साइन का होल बार आपका, दो इनपुट, व्हेन ऑल इनपुट इज जीरो जीरो द आउटपुट विल बी वन, अदरवाइज जीरो, इज द सिंबोलिक डायग्राम एंड डिजिटल डायग्राम। ये आपका OR गेट की तरह होता है, आगे नॉट लगा है, x प्लस वाई का नॉट, होल नॉट आपका लग गया। किसी किसी बुक में ऐसा मिलेगा, किसी बुक में आपका इस तरह मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग XO OR गेट के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। BBS ट्यूटोरियल क्लास में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आई विल डिस्कस अबाउट लेसन 9 कंप्यूटर लॉजिक एंड बूलियन अलजेब्रा के पार्ट सेकंड में एक्स और गेट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग नॉर गेट के बारे में चर्चा की थी। एक्स नॉर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से जानते हैं आप इसे। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका एक्सक्लूसिव और गेट पूछता है, बच्चे यहां कंफ्यूज करते हैं। तो एक्स और गेट को बेटा एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। डिफिनेशन आप देखें एक्स और गेट की। इन दिस टाइप ऑफ गेट टू मोर इनपुट, जैसा कि पिछले गेट्स में भी टू इनपुट होते थे, इन दिस टाइप ऑफ गेट टू मोर इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक आता है। दिस गेट रिप्रेजेंटेड बाई सिमेट्रिक, जो प्लस आप बनाए
प्लस बना के उसके अंदर गोला कर दें, तो इस साइन को आप सिमेट्रिक साइन के नाम से जानते हैं। विल बी डिनोटेड ट्रुथ टेबल, जब आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ए और बी आपके बराबर हो जाते हैं, बीच में आपका क्या होता है सिमेट्रिक सिंबल्स के नाम से आप इसको डिनोट कर देते हैं ट्रुथ टेबल में। आइए इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, यह आपकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, एक्स और वाई आपका इनपुट हो जाएगा, यस सिमेट्रिक वाई आपका हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, ये आया। व्हेन ऑल इनपुट इज सेम द आउटपुट विल बी जीरो, अदरवाइज वन। कह रहा है अगर आपके दोनों इनपुट जीरो हो या दोनों इनपुट एक एक होंगे, वन वन होगा तभी आपका जीरो जीरो आएगा, अन्य स्थितियों में आपका वन होगा। एक आपका जीरो है एक वन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, अन्य कंडीशंस के लिए जीरो होगा। फिर से समझ लीजिए, ट्रुथ टेबल When all input is जीरो जीरो its output will be जीरो, जब आपके दोनों input एक जैसे होंगे तभी output आपका जीरो आएगा, otherwise आपका वन वन आएगा। इसे आप देखिए कैसे define करेंगे x और गेट को, ये एक आपका x आएगा एक y आएगा, एक आपका यस सिमेट्रिक क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये इस तरह से आप इसको डिनोट करते हैं x और गेट को। फिर से समझ लीजिए x और गेट क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ गेट टू मोर इनपुट, दो इनपुट इस गेट में होते हैं एंड सिंगल आउटपुट होता है। दिस गेट रिप्रेजेंटेड बाई सिमेट्रिक सिंबल्स होते हैं, साइन यूज किए जाते हैं। प्लस बनाइए, उसको चारों तरफ से गोला बना दीजिए, गोले के अंदर जो प्लस होता है उसको आप सिमेट्रिक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रुथ टेबल है आपकी टी आर यू टी एच ट्रुथ टी ए बी एल ई टेबल, टू मोर इनपुट एंड सिंगल आउटपुट जीरो 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 वन जीरो वन जीरो वन। व्हेन ऑल इनपुट इज सेम आउटपुट विल बी जीरो एंड अदरवाइज आउटपुट विल बी वन। ये आपका सिंबोलिक डायग्राम है, एक्स वाई ये वेरिएबल हो गया और इसको आप डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं सिंबोलिक डायग्राम में। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में यानी एक्स ओ और गेट के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका लास्ट गेट होगा एक्स नॉर गेट, इसको एक्सक्लूसिव नॉर गेट के नाम से भी आप जानते हैं। पिछले गेट में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट और नॉर गेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग एक्स नॉर गेट के बारे में चर्चा करेंगे। दिस गेट कम्बिनेशन ऑफ टू गेट, नॉट गेट और एक्स और गेट, यानी कि नॉट गेट और एक्स और गेट को मिलाने से आपका एक्स नॉर गेट बनता है। दिस गेट रिप्रेजेंटेड बाई साइन जो होता है ए बी वेरिएबल सिमेट्रिक के ऊपर होल नॉट आप साइन रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी ट्रुथ टेबल देखें, टू मोर इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, इनपुट आउटपुट, एक्स वाई दो वेरिएबल, एक्स सिमेट्रिक वाई का नॉट, जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन। व्हेन ऑल इनपुट इज सेम,
आउटपुट विल बी वन, अदरवाइज जीरो। जब दोनों इनपुट आपके एक जैसे होंगे तभी आउटपुट आपका एक्स नॉर गेट में वन वन होगा, अन्य स्थितियों में आपका जीरो जीरो होगा। फिर से समझ लीजिए, एक्स नॉर गेट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट, दिस गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट नॉट गेट एंड एक्स ऑर गेट, दिस गेट रिप्रेजेंटेड बाई ए बी सिमेट्रिक का होल नॉट साइन आप प्रयोग करते हैं, ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई, टी आर यू टी एच ट्रुथ टेबल में। जब दोनों इनपुट आपके व्हेन ऑल इनपुट इज सेम आउटपुट विल बी वन अदरवाइज जीरो। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, सिंबोलिक डायग्राम ऐसा, और यहां पर नॉट का सिंबल लगा देंगे, एक्स और वाई हो गया, एक्स सिमेट्रिक वाई का नॉट लग जाएगा, अथवा आपका और आगे बढ़ा के इसको ऐसे नॉट के सिंबल के रूप में आप रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्स वाई एक्स सिमेट्रिक वाई का नॉट। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेसन 9 कंप्यूटर लॉजिक एंड ग्रीन अलजेब्रा के अंतर्गत पार्ट सेकंड होगा आपका। हम लोग गेट पढ़ चुके हैं, सभी गेट हम आपको विस्तार से बताए थे। आज की गेट्स में लॉजिक गेट ओवरव्यू हमने टॉपिक दे रखा है। इस टॉपिक के अंतर्गत आज सभी प्रकार के गेट का जो सिंबॉलिक डायग्राम्स है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसको आपको एक ओवरव्यू के रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। नेम ऑफ गेट सिंबल एल्जेब्रिक ट्रुथ टेबल, एंड गेट का सिंबल डी से होता है, डिनोट करता है एक्स डॉट वाई आपके एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। व्हेन ऑल इनपुट इज वन वन आउटपुट विल बी वन अदरवाइज जीरो। जहां पर कुछ नहीं होता वहां डॉट होता है, डॉट का मतलब होता है गुणनखंड। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऑल इनपुट इज वन वन आउटपुट विल बी वन अदरवाइज जीरो इज द डिनोटेड बाई एंड गेट। और गेट सिंबल आपका ये होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई आपके बराबर हो जाते हैं, प्लस से इसको जोड़ा जाता है तो इसका नाम एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाता है। एक्स वाई आपके दो वेरिएबल्स होते हैं, इसमें कह रहा है व्हेन ऑल इनपुट इज जीरो जीरो आउटपुट विल बी वन अदरवाइज जीरो। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि एक दूसरे को जोड़ देता है, एड कर देता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, प्लस साइन। व्हेन ऑल इनपुट इज जीरो जीरो आउटपुट विल बी वन एंड अदरवाइज आपका जीरो। और गेट में नॉट गेट रिवर्स होता है, इनवर्स कहलाता है, तो इसमें एक ही वेरिएबल होता है और एक ही आउटपुट होता है। अगर आपका वैल्यू आप इनपुट कराएंगे जीरो तो आएगा वन, वन इनपुट कराएंगे तो आपका जीरो आएगा। यह क्रिया आपकी नॉट गेट के द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। नेक्स्ट गेट आपका थ्री बेसिक गेट, एंड गेट और गेट नॉट गेट इज द थ्री बेसिक गेट। इन दो गेट एंड गेट और नॉट गेट को मिलाने से आपका क्या बन जाता है, नैंड गेट। नैंड गेट का ये सिंबॉलिक डायग्राम, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन ऑल इनपुट इज वन वन आउटपुट विल बी जीरो अदरवाइज वन वन। ये गेट आपका जस्ट उल्टा होता है और गेट से। अगर क्या कह रहा है, नैंड गेट में देर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, नॉट गेट और एंड गेट को मिलाने से आपका नैंड गेट बनता है। इसमें दो मोर इनपुट होते हैं, जब दोनों इनपुट आपके एक एक होंगे तभी आपका आउटपुट जीरो होगा, अन्य स्थितियों में आपका आउटपुट वन वन आएगा। नेक्स्ट गेट आपका है नॉर गेट। नॉर गेट में दो गेट मिलने से बनता है, नॉट गेट और गेट के मिलाने से एल्जेब्रिक फंक्शन बनता है एक्स प्लस वाई का होल नॉट। इसमें व्हेन ऑल इनपुट इज जीरो जीरो आउटपुट विल बी वन अदरवाइज जीरो,
ये आपका होता है नॉर गेट। नॉर गेट में दो गेट होते हैं, एक नॉट गेट और दूसरा आर गेट होता है। पहला सिंबल आर गेट का बनता है, दूसरा नॉट गेट का बनता है। और एक्स प्लस वाई का आप ऊपर होल नॉट लगाते हैं, इसको और बॉरक सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन ऑल इनपुट इज 0 0 आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज आपके 0 0। एंड नेक्स्ट गेट आपका एक्स और गेट। एक्स और गेट को एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक्स वाई वेरिएबल होता है, इसे आप सिमेट्रिक साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें व्हेन ऑल इनपुट इज 0 0 आउटपुट विल बी 1, या आप कह सकते हैं ऑल इनपुट इज सेम आउटपुट विल बी 0 अदरवाइज 1 1, ऐसा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दोनों वैल्यू आपकी 0 0 होगी तभी मान 0 होगा, या दोनों वैल्यू 1 1 होगी तभी आपका 0 होगा, अन्य कंडीशन में आपका आउटपुट 1 होगा। ऐसा समझ लें, व्हेन ऑल इनपुट इज सेम आउटपुट विल बी 0 अदरवाइज आउटपुट विल बी 1। एंड लास्ट गेट इज एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट किससे बनता है? नॉट गेट और एक्स और गेट के मिलाने से बनता है। इसमें सिमेट्रिक का होल नॉट हो जाता है, इसका एक्स और गेट का जस्ट उल्टा आपका ट्रुथ टेबल रिवर्स कर देता है। द व्हेन ऑल इनपुट इज 0 0 या ऑल इनपुट इज 1 1 इज आउटपुट विल बी 1 अदरवाइज 0। When all input is same, output will be 1, otherwise 0। Next video tutorial में हम लोग आपको circuit diagram कैसे बनता है, कैसे pass out कराए जाते हैं data computer के motherboards में, computers के memory में, उसकी logic हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। Thank you।